नॉर्थ कराची 2 मिनट चुरंगी से 8 किलोमीटर आगे जाना हमारे लिए ऐसा ही था जैसे किसी आफतजदा इलाके में आना। 2000 से जायद वासियों का मस्कन है ये जाम छाकड़ो लैंडफिल साइट। ये कचरा ही है जो यहाँ के बच्चों को तहफुन ज़दा माहौल में तराश रहा है। प्लास्टिक की बॉटल्स, रद्दी कागज, पुराने कपड़े यकीनन आपके लिए बेकार होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घरों से ये कचरा चुनते हैं ताकि कच्चे आशियानों में बसने वालों को जहालत के अंधेरों से निकाल सकें। अलखैर एक ऐसा ही स्कूल है जो कचरे का इस्तेमाल करके इन बच्चों को जीने का और वक्त के साथ चलने का हुनर सिखा रहा है। जमीन की तपिश नंगे कदमों को इल्म की बैठक से दूर नहीं कर पाती। कचरा चुनने वाला लालू अंग्रेजी फरफर बोलता है और इसका ये अंदाज उन लोगों की सख्त मेहनत का नतीजा है जो 30 साल से हालात के मारों को महजब माशरे का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नादरा बता रही है कि गुर्बत से लड़ते वालिदैन अक्सर इनका स्कूल छुड़ाकर दोबारा कचरा चुनने पर लगा देते हैं। माँ बाप कहते स्कूल नहीं जाओ, स्कूल नहीं पढ़ो, कचरे पे जाओ। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक हर साल 554 अरब रुपए अतियात देने वाली पाकिस्तानी कौम लालू जैसे बच्चों की तालीम पर महज 14% खर्च करती है, जबकि इन बच्चों के हाथों में किताब कचरे की मरहून मिन्नत है। कचरा मुहिम को पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे इंशाल्लाह, और इस तरह से हम इस कचरे को जमा करके इसकी जो कीमत हासिल करेंगे, इससे पहले तो हम ये चाह रहे हैं कराची की हर कच्ची आबादी में, हर देहात के अंदर तकरीबन 5000 स्कूल बनते हैं जो हम खोलना चाह रहे हैं इंशाल्लाह ताला इसी कचरे से, ताकि इस शहर की जितनी कच्ची आबादी है वहाँ हर बच्चा पढ़ सके। मिस रजिया ने इसी स्कूल से मैट्रिक किया और आज अपनी जिंदगी संवारने वालों के एहसान का बदला यहीं तालीम बांट कर उतार रही हैं। ना पढ़ती तो मैं हमारे इलाके के लोगों की तरह कचरा चून रही होती, कचरे पर काम कर रही होती। हमें मिट्टी में अटे मासूम चेहरों पर आगाही की चमक दिखाई दी और मेले लिबास से खुशबू। इन बच्चों का अज़्म कहता है कि एक दिन वो भी पूरी आबोताब से चमकेंगे। आपके दिए गए कचरे से ये बच्चे यकीनन इस तहफ़्फ़ुज़ज़दा माहौल से निकल पाएंगे। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।